हेलो एवरीवन, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी में ज़्यादातर महिलाओं को पेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि डाइजेशन की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे गर्मी के मौसम में आपको ऐसा क्या खाना अवॉइड करना चाहिए जिससे आपको ये सारी प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। और ये सारी चीज़ें जो आपको इस वीडियो में बताई जा रही हैं, आपको गर्मी के मौसम में इन्हें बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर वन, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो गर्मी के मौसम में आपको बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाना अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि फ़िश या मीट, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मसालों का इस्तेमाल होता है, काफ़ी स्पाइसी होते हैं ये सारी चीज़ें, और गर्मी के मौसम में आपको स्पाइसी बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खाना है। खास करके आपको लाल मिर्च गर्मी के मौसम में अवॉइड करना चाहिए। नंबर टू, ड्राई फ्रूट। प्रेगनेंसी में हमेशा आपने सुना होगा कि ड्राई फ्रूट खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, लेकिन आपको गर्मी के मौसम में इन्हें कम ही खाना चाहिए। और अगर आप ड्राई फ्रूट खाना भी चाहते हैं तो रात में आपको अच्छे से इन्हें धो के भिगो के रखना है, उसके बाद ही आपको सुबह इन्हें खाना है। तो ड्राई फ्रूट आप खा सकते हैं, लेकिन खाने के भी एक तरीका होता है। तो आपको जब भी ड्राई फ्रूट खाने हो तो आप रात में पहले उसे धो के अच्छे से भिगो के फिर उसे नेक्स्ट डे सुबह खाइए, जैसे कि बादाम, खजूर, किशमिश। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको खानी है तो रात में इसको आप पहले अच्छे से भिगो दीजिए। साथ ही अगर आपको काजू खाने हैं तो काजू को भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं है, आप काजू डायरेक्ट खा सकते हैं। नंबर थ्री, आम। प्रेगनेंसी में आपने सुना होगा कि आम खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और प्रेगनेंसी में आम खाना भी चाहिए, लेकिन आम खाने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि आम की तासीर भी गर्म होती है, और गर्मी के मौसम में अगर आप आम को अवॉइड कर सकते हैं तो आप कीजिए, नहीं कर सकते तो जब भी आप आम खाएं तो आम को खाने से पहले एक दो घंटे पहले आप उसको पानी में भिगो के रख दीजिए, उसके एक दो घंटे बाद ही आप आम खाइए, यानी कि खाने से पहले आपको पानी में आम को एक दो घंटे भिगो के रखना है, उसके बाद ही आम को खाना है। और आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा आम नहीं खाना है, और स्टार्टिंग के 3 महीने आपको आम अवॉइड करना है, उसके बाद ही आपको आम खाना है। नंबर फोर, चाय कॉफ़ी। जी हाँ, आपको चाय कॉफ़ी भी गर्मी के मौसम में बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि चाय कॉफ़ी में कैफीन होता है जो आपकी बॉडी में आयरन के अब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। तो इसलिए आपको गर्मी के मौसम में, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो गर्मी के मौसम में आपको बिल्कुल भी चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके बॉडी में हीट भी जनरेट होती है और आपको पेट में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन केस अगर आप चाय कॉफ़ी अवॉइड नहीं कर सकते तो उसकी क्वांटिटी बिल्कुल कम कर दीजिए, और हो सके तो अपना कप भी छोटा कर दीजिए। नंबर फाइव, अदरक। अगर आप खाने में या चाय में अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो गर्मी के मौसम में आपको अदरक का इस्तेमाल बहुत ही कम क्वांटिटी में करना है, यानी कि छोटे से टुकड़े को ही आपको इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा किसी भी तरीके से आपको अदरक नहीं खाना है। नंबर सिक्स, बाहर की चीज़ें जैसे कि आइसक्रीम, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, छोले भटूरे, तेल से बनी हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, आपको गर्मी के मौसम में अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो आपको करना ही पड़ेगा अपने लिए और अपने बच्चे के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है बाहर की चीज़ें खाने की, लेकिन आपको अपने बारे में सोचना है, अपने बच्चे के बारे में सोचना है, और आपको बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी। अगर आपको कुछ खाने का भी मन करता है जैसे कि आइसक्रीम, तो आप घर में ही बना के उसे खा सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें अपने प्रेगनेंसी में, खास करके गर्मी के मौसम में, आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। तो हम आपको दो टिप ये देना चाहते हैं कि आपको जितना हो सके घर का बना हुआ खाना खाना है। घर के बने हुए खाने में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, न्यूट्रिशंस भर भर के होते हैं, साफ़ सफाई का भी अच्छे से ध्यान दिया होता है, इसलिए आपको प्रेगनेंसी में जितना हो सके घर का बना हुआ शुद्ध खाना ही खाइए। और आपको ये कोशिश करनी है कि आप एक टाइम में बहुत ज़्यादा खाना ना खा लें, ऐसा नहीं करना है कि आप एक ही बार में बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, आपको पेट में समस्या हो सकती है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, तो आपको हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाते रहना है, साथ बहुत सारा खाना आपको नहीं खाना है। होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।